जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री राधे। जानते हैं आज 31 मार्च 2024 से आज के पंचांग के बारे में, आपके राशिफल के बारे में और शुभ और अशुभ मुहूर्त के बारे में। ये मुहूर्त जीवन में, मनुष्य के जीवन में चल रही उठा पटक को संतुलन कर सकते हैं अगर मनुष्य विशिष्ट है अपने कर्म के अनुसार इनमें ध्यान लगाए। तो ध्यान रखने योग्य बात यह है, 31 मार्च का महीना अंग्रेजी महीना है, हिंदी का महीना आज है चैत्र मास। चैत्र मास का महीना चल रहा है, उत्तरायण चल रहे हैं एवं कृष्ण पक्ष चल रहा है। ऋतु है आज बसंत ऋतु, बसंत ऋतु चल रही है, षष्ठी तिथि है। आज कोई भी कार्य या लेन देन ना करें, वो कौन सा समय है, कोई भी कार्य और लेन देन ना करें वो है राहु काल का समय। इस समय पे कोई भी लेन देन या कोई भी डिसीजन ना लें, कोई भी डील हो रही है तो वो डील ना करें, क्योंकि राहु काल के समय में तुम कितनी भी होशियारी से डील कर लो उसमें घाटा खा जाओगे, वो आगे कोई ना कोई समस्या देगी। तो आज 31 मार्च को जो राहु काल का समय है वो शाम को 5:21 PM से लगभग 6:53 PM तक है ये राहु काल का समय है। आज सूर्योदय 6:33 पर, सूर्यास्त 18:52 पर होगा, दिशाशूल पश्चिम दिशा में। षष्ठी तिथि को नीम की पत्ती का या नीम का फल या दांतुल मुंह में डालने से आपको दोष लगता है, ऐसा ब्रह्मवेद पुराण में लिखा हुआ है। रविवार का दिन है आज, तो आज में स्त्री का संग करना, तिल का तेल खाना और लगाना निषिद्ध है, ऐसा हम नहीं कह रहे, ब्रह्मवेदिक पुराण में लिखा हुआ है। रविवार के दिन लाल दाल यानी मसूर की दाल, अदरक और लाल रंग का साग नहीं खाना चाहिए, यह भी ब्रह्मवेदिक पुराण में लिखा हुआ है। और रविवार के दिन में कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। और एक और खास बात है, रविवार के दिन बिल्वपत्र का पूजन करने से, महादेव जी के जो बिल्वपत्र बिल्वपक्ष बोलती हैं उसका पूजन करने से आपको ब्रह्म हत्या तक के पाप से मुक्ति मिल जाती है, अगर भविष्य में आप कोई भी पाप आदि कर्म ना करें तो, ऐसा स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। जानते हैं आज के राशि फल के बारे में। एक हफ्ते तक आपके लिए जी मेष राशि वालों के लिए ये समय आपके लिए उतार चढ़ाव वाला रहेगा। जीवन साथी के साथ में नया कार्य भी शुरू कर सकते हैं, कोई भी कार्य में जल्दबाजी ना करें। घर पर कोई भी पुण्य काम, सत्यनारायण की कथा आदि करा सकते हैं। बालक बच्चे हैं जिनके, वो अपने बालक बच्चों का ध्यान रखें, नहीं तो बालक बच्चों को सर्दी जुकाम खांसी की समस्या हो सकती है। मेष राशि वालों को दान पुण्य का समय भी छोटा मोटा है। अगर आपका जो लेवल है यानी धन दान का, आपका भंडार का संतुलन है तो आप छोटे मोटे दान पुण्य कर सकते हैं, नहीं तो अपने भजन और कीर्तन के द्वारा भी पुण्य कमाएं। किसी भी सरकारी योजना में धन लगा सकते हैं, आप पर अतिरिक्त धन है तो मित्रों के साथ में आज आपकी पार्टी हो सकती है। मित्र आपको शराब या जुआ खिलवाने के लिए विवश कर सकते हैं, जिससे आपको बचना होगा, वही आपके लिए हितकर होगा। मेष राशि की बात आइए जानते हैं अगली राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि के लोग वैसे तो बड़े ही विश्वास पात्र होते हैं, वृषभ राशि वाले लोगों को ईमानदारी बहुत पसंद है। वृषभ राशि वाले लोग वैसे तो गुस्सा होते नहीं हैं, अगर गुस्सा हो जाए तो उनके क्रोध के सामने नंदीश्वर बाबा का क्रोध हो जाता है, भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त होते हैं। वृषभ राशि वाले भक्तिभाव ईमानदार होते हैं और वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन बड़ा खास होने वाला है। आज आप किसी भी प्लॉट या दुकान की सौदा कर सकते हैं, लेकिन सौदा को टालें, सोच समझ कर कार्य करें। आपको आज घाटा होने की संभावना लग रही है, लेकिन आपको दिमाग से जल्दबाजी नहीं करना है, बहुत ही सोच समझ कर करना है, भक्तिभाव से करना है। शाम को 5 बजे के बाद में जो भी डील हो उसको रोकना है, अगले समय के लिए जान और बूझ कर समझ कर सोच कर ही आगे बढ़ना है। किसी से भी लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद में वृषभ राशि वालों को आज नहीं पड़ना। वृषभ राशि के बाद में है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को आज एक के बाद एक समस्या उत्पन्न हो सकती है, समस्याओं के समाधान के लिए चंद्रशेखर भगवान नीलकंठ का ध्यान करें, वो आपकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। जो भी भोले बाबा के भक्त हैं या कृष्ण भक्त हैं तो सच्चिदानंद रूपाय विशोध पत्यादि हेतु तापत्र श्री कृष्णाय वयम नमः का 108 बार पाठ करें और श्री कृष्ण भगवान के चरणों में समस्याओं को समर्पित करके सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का भजन करते हुए
अपने आगामी विचार और योजना बनाएं। इसके बाद है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बड़ा ही खास है। आप श्री कृष्ण भगवान का पूजन वंदन करेंगे और कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणव क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः का भजन कीर्तन करते हुए आज अपने मित्रों के कहने पर निवेश कर सकते हैं, लेकिन मित्रों पर आंख मूंछ कर भरोसा करना आपके लिए हितकर नहीं रहेगा। आज का दिन आपके लिए बड़ा ही लाभप्रद है। लाभ के नए नए अवसर आज आपको मिलेंगे। अवसरों का फायदा लेने से ना चूकें, लेकिन इसी पर अंधविश्वास ना करें, क्योंकि विश्वास में ही घात होता है, उसी को विश्वास घात होती है। इसके बाद में कर्क राशि वाले जातकों का ये राशि फल है। आज आपको वाहन बड़ी सावधानी से चलाना है, नहीं तो वाहन में आज परेशानी खड़ी हो सकती है। इसके बाद है सिंह राशि। सिंह राशि शेर की राशि। सिंह राशि वाले लोग बड़े ही बुद्धिमान होते हैं, लोगों से नए नए फायदा और अवसर लेने में कभी चूकते नहीं। सिंह राशि वाले लोग आज किसी से धोखा ना करें, धोखा करने के चक्कर में खुद भी धोखा खा सकते हैं। सिंह राशि वाले जातक आज अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ मार्केट में या कहीं घूमने जा सकते हैं। आज फैमिली पर ध्यान रहेंगे, फैमिली की आवश्यकताओं को, परिवार की आवश्यकताओं को सिंह राशि वाले लोग आज पूरा करने में ध्यान देंगे। कन्या राशि वाले लोग आज किसी वाद विवाद में पड़ सकते हैं। अपने आसपास के शत्रुओं को आपको पहचानना होगा। आपकी शत्रुता आज नए नए शत्रु बन सकते हैं, लेकिन शत्रुओं से बचने की कला कन्या राशि वाले लोगों में खूब होती है। जैसे शत्रु हावी होता है, कन्या राशि वाले लोग उसको मित्र बनाने के लिए पूरी कोशिश कर लेते हैं। अपने आसपास के शत्रुओं को आज पहचानना होगा। बालक बच्चों के साथ समय व्यतीत करें तो आपका जीवन आज खुशनुमा हो जाएगा। तुला राशि वाले लोग आज अपनी माता से लड़ाई झगड़ा करने से बचें। आज आपको अपनी माता की कोई बात बुरी लग सकती है। आज सरकारी योजना में धन लगा सकते हैं, लेकिन धन भी सोच समझ कर लगाएं और आज राहु काल का समय को बचाते हुए धन का निवेश करें तो ठीक रहेगा। निवेश की प्लानिंग करें, सोच समझ कर करें। तुला राशि वाले लोग आज घर में कलह करने से बचें, बड़े ही संयम से अपनी वाणी का इस्तेमाल करें। आसपास के लोगों से माहौल बड़ा खुशनुमा रहेगा। आज समाज में पद प्रतिष्ठा पाने का भी मौका है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का समय, पुराना धन फंसा हुआ है वो आपका लौट सकता है। आज आपके स्वास्थ्य में भी आज से सुधार होने लगेगा। भक्ति का माहौल बनाए रखें। जो भी आपका गुरु मंत्र है वो गुरु मंत्र को गुनगुनाते रहें। वृश्चिक राशि वाले अगर कई समय से बीमारी से पीड़ित हैं तो बीमारियों में लाभ मिलता रहेगा। धीरे धीरे भगवान की कृपा प्राप्त होती रहेगी। इसके बाद है धनु राशि। आज का दिन आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में तो अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में भी आपको प्रमोशन आज मिल सकता है। धनु राशि वालों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जाना पड़ सकता है। आज आपका स्थानांतरण भी हो सकता है। जो भी जातक नौकरी में बदलाव चाहते हैं उनके लिए यह समय अनुकूल बन रहा है। छोटे बच्चों के साथ भी आज मौज मस्ती करें और विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, क्योंकि पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। विद्यार्थी जीवन है वह फालतू की अय्याशी शराब नशा करने से बचे तो लाला ठीक होगा। मीन राशि वाले जातकों की आज सगाई संबंध की प्लानिंग भी बन सकती है। जो भी जातक विवाह के योग्य हैं उनकी आज सगाई पक्की हो सकती है। बाहर जाने का मौका मिल सकता है। फालतू की मार्केट में आज आपकी जेब भी कट सकती है, यानी जेब खर्च भी आपका बढ़ सकता है। मीन राशि वालों को आज जेब से संबंधित ये है कि अपने जो सामान हैं वह सुरक्षात्मक तरीके से अपने पास रखें और प्रभु का भजन स्मरण करते रखें। अभिजीत मुहूर्त में आपका निकलना आज विजय का सूचक है। अभिजीत मुहूर्त में निकलते हुए भगवान को प्रणाम करते हुए प्रभु को वंदन करते हुए ही निकले। आज का मंत्र है सनातन धर्म को स्वीकार करते रहो। सनातन धर्म में एक से एक वैदिक उपाय हैं। इन उपायों को करने से आपका कुछ नहीं लग रहा है। प्रभु का भजन करते करते इन उपायों को करें, आपके जीवन में सकारात्मकता आ जाएगी। धनवान तो बहुत हैं लेकिन धन क्या काम का, उनको नींद नहीं आ रही है, इंजेक्शन लग रहा है, आदि आदि किलो के डोज लग रहे हैं।
इससे मनुष्य बीमारों से ग्रसित हो रहा है। ये कन्हैया हैं, गरदर हैं, मुरली वाले हैं, इनकी मुरली बन जाती है पूरी दुनिया को नींद आ जाती है, इनकी मुरली बज जाती है पूरी दुनिया जाग जाती है। मुरली मनोहर गोविंद भगवान का स्मरण करते रहे। जय श्री कृष्ण सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तिनाथ श्री कृष्ण। आज का सभी दोस्तों को राशिफल बता दिया है, राशिफल के साथ में ही सभी को वंदन करते हैं, सभी को अभिनंदन है। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। आपको इसी वीडियो के माध्यम से आने वाले समय में भी आपको मुहूर्त बताते रहेंगे, आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे, और आप भी हमारा मार्गदर्शन कमेंट के माध्यम से करें कि आपको क्या जानकारी चाहिए, जीवन में क्या परेशानी आ रही है। एक बार कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर पहुँचाएँ, हम आपकी समस्या को एक एक कमेंट को पढ़ते हैं, सुनते हैं, और उन्हीं के आधार पर वीडियो बनाते हैं। जय श्री राम। सिया राम मैं शब जग जानी, करहूँ प्रणाम जो जगवानी। जय श्री राम।